लाइफ में दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। जिनके पास अच्छे दोस्त हैं उनसे ज़्यादा लकी शायद ही कोई हो। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई फिल्म दोस्तों और दोस्ती पर बेस्ड रही है और हिट भी रही है। ऐसी ही एक और कहानी लेकर हाजिर हैं डायरेक्टर अभिषेक दीक्षित। चार दोस्तों की कहानी कैसी है, कितनी मेहनत इन सभी ने की है। जब फिल्म को लेकर बॉलीवुड रिपोर्टर ज्योति शर्मा ने स्टारकास्ट से की खास मुलाकात, तो देखिए कैसे मस्ती के मूड में सभी नजर आए। फ्रेंड्स फैमिली होती है और ये हर कोई मानता है, चाहे जो भी फ्रेंड हो, अच्छा हो या बुरा, फ्रेंड्स फ्रेंड होते हैं और फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमारे साथ हम चार की कास्ट है, भले हम इस वक्त हम पांच हैं लेकिन अंशुमन है, प्रीत है, सिमरन है और तुषार है। आप सभी का E24 में बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। यस थैंक यू। पहले आप हमें ये बताइए कि मैंने ट्रेलर देखा उसमें आप एक सॉन्ग देख के आप सभी नाराज हो जाते हैं, ये सॉन्ग बंद करो, हुआ क्या सिमरन, पहले आप बताइए। आई थिंक हम जब शुरू करते हैं फिल्म में तो हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हम सब कॉलेज में मिलते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर एक पॉइंट आता है फिल्म में जब ऐसा कुछ होता है जिसमें यू नो हम चार अलग रास्ते चले जाते हैं, तो उस समय का वो उस समय के वो क्लिप्स हैं, तो उस समय वो टाइम जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो टाइम है, तो उस वक्त सब चिढ़े हुए हैं दोस्ती से, किसी को दोस्तों की बात नहीं करनी, दोस्ती के बारे में गाना नहीं सुनना। तो ये झगड़ा किया किसने है, ये अंशुमन बताएंगे हमें। झगड़ा किसने किया है? बोला तो उसमें सूरजो पांडे ने बोला नहीं, ये सब अबीर की वजह से हुआ है। मैंने बोला था ऐसे ट्रेलर नहीं देखा किसी ने। नहीं सूरजो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो बोल दिया था इनकी गलती भैया। एक्चुअल में होती किसकी है ये तो फिल्म बताएगी ना, हम थोड़ी बताएंगे। थोड़ा तो फिल्म को भी बोलिए ना, ऑडियंस थोड़ी फिल्म देखे। गलती तो ज्योति की है। गलती ओके। पर तो अगर मैं, ये भी फ्रेंडशिप के ऊपर फिल्म है तो आप सभी के कोई ना कोई तो बेस्टीज होंगे, कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, तो किसी एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको बताना होगा हमारे व्यूअर्स। मेरी एक बहुत बहुत प्यारी दोस्त है, इसका नाम है ज्योति, और मतलब उनसे जो मेरा रिश्ता है ना, वो हम लोग लड़ते झगड़ते भी हैं, प्यार व्यार भी करते हैं और एक दूसरे के लाइफ में घुस भी जाते हैं, पर फिर भी बहुत प्यार है। और वो बिल्कुल मेरी फैमिली के जैसे, वो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं ज्योति। कैसे? ओह माय गॉड, अब रियल वाली फ्रेंड के बारे में बता दे। रियल फ्रेंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी मम्मी है, और मैंने शायद ही अपनी लाइफ में कोई ऐसी बात ना हो जो उनसे शेयर ना करी हो, या कभी आई थिंक मेरा काम से लेकर के मेरी पर्सनल लाइफ से लेकर के मेरी पर्सनल लाइफ तो उन्हीं की लाइफ है। तो मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो सबके डिसीजन वही लेती हैं। मैं चाहे किसी को भी डेट कर लूँ या मैं किसी भी लड़की के साथ हो जाऊँ, वो मुझे कहती कोई बात नहीं बेटा, तू जी ले अपनी जिंदगी, आखिरी फैसला तो मुझे ही लेना है। प्रीत आपके आपकी जो शक्ल है ना, हमें किसी से मिलती जुलती ऐसे लगती है। राइट प्रोफाइल, है ना, किसकी जैसी लगती है आपके सपनों का राजकुमार? नहीं नहीं, किसी का नाम आ रहा है बॉलीवुड से, बोल दीजिए। ये बड़े बुलंद है इस वक्त। अच्छा, कराते गार्डन की बात करिए आप? जी बिल्कुल सही हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। See, as long as सारा अली खान likes कराते गार्डन, I don't mind. बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को ऑल द बेस्ट फिल्म के लिए। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ज्योति शर्मा, E24 मुंबई।